तो अब हम लोग जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड का एक क्लासिफिकेशन किसका कर लिए, हेलो एल्केन का कर लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन एलाइलिक हैलाइड का। अब एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, ये भी तो उसी कार्बन पर डिपेंड करता है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है उसी का इम्पोर्टेंस है। इसमें भी जो कार्बन है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, उसके अलावा वो कार्बन एलाइलिक भी होता है। एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, ठीक है। एलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन का नेक्स्ट कार्बन होता है, उसको हम लोग एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बाद वाला नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन वाले का नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको हम एलाइलिक बोलते हैं। अगर वो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। हम एक एग्जांपल लेके समझाएंगे, जैसे ये देखो, ठीक है, ये क्लोरीन दे दिए, ये जो कार्बन है यही है एलाइलिक कार्बन, ये क्या है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आसानी से देख सकते हो 1 2 3 4, ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इस कार्बन से चार सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से चार सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब कार्बन होता है तो उसका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफिकेशन हो जाता है, अगर ओपन चेन है तो एलिसाइक्लिक हो जाएगा, तो बाद दूसरा है वहाँ सेकेंडरी टर्शियरी होगा, ठीक है ना। ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो होना है, तो यहाँ भी होगा। तो एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको एलाइलिक बोलते हैं। देखो ये कार्बन है ना, ये इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इसलिए ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया एलाइलिक हैलाइड, ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड हुआ, ये क्या हो गया 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। नाम अभी हम नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल नाम अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक्चुअल नाम बताएंगे जब हम जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसके बाद तो नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बाद। तो ये हो गया प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से सिर्फ यही वाला कार्बन ना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का मतलब नहीं है, जिस कार्बन को स्टडी कर रहे हैं उस कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है वो देखते हैं, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप है इसके पास, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया प्राइमरी एलाइलिक कार्बन, तो ये कार्बन एलाइलिक हो गया, ये कार्बन sp3 हो गया, ये कार्बन प्राइमरी भी हो गया, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि चार बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि इससे एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है, और एलाइलिक कार्बन से चूंकि ये हैलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो गया एलाइलिक हैलाइड, है ना। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया प्राइमरी एलाइलिक क्लोराइड, प्राइमरी एलाइलिक क्लोराइड इसका नाम हो गया, सेकेंडरी भी हो सकता है, है ना। देखो सेकेंडरी तो आराम से हो जाएगा ना, क्लोरीन है या ब्रोमीन भी दक्षिण, वो भी हैलोजन होगा, CH3 दे दिए इधर, ये दोनों डंडा खोले रखे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो अल्काइल मान लो हम अभी मन हुआ CH3 दे दिया, इधर मन हो गया
तो हम दे देते हैं CH2 CH3, कुछ भी ग्रुप बैठा सकते हैं, या इस दोनों को नहीं दे करके हमको चेन को यहीं पर रोकना है तो दोनों जगह हाइड्रोजन दे देंगे, तो वो हमारे ऊपर है कि कौन सा कंपाउंड छोटा बड़ा कैसा रखते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक्सटेंशन हो सकता है, उससे तो मतलब है भी नहीं हमको, तो मतलब है ये डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ही तो गड़बड़ हो गया है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन से न जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ये है उसके नेक्स्ट कार्बन से हम जुड़ेंगे फंक्शनल, ठीक है, इसमें थोड़ा ही अच्छा है, डबल बॉन्ड कार्बन ये है और डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है, ये एलाइलिक हो गया, तो इसमें एक अल्काइल ग्रुप और जोड़ देते हैं, इधर हाइड्रोजन ही रहने देते हैं, ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिए कार्बन से, अब ये देखो कार्बन क्या है, sp3 तो है ही, क्योंकि एक दो तीन चार, चार जो है सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गया, दूसरा देखो कि इससे sp3 है एक कन्फर्म है, दूसरा और क्या चीज़ देख रहे हैं कि ये एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड के कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है, इसलिए एलाइलिक कार्बन है, तो ये कार्बन हो गया हमारा sp3, ये कार्बन हो गया हमारा एलाइलिक, और ये कार्बन हो गया हमारा, ठीक है, ये जो कार्बन है हमारा क्या हो गया प्राइमरी, ये तीनों चीज़ें, ये कार्बन प्राइमरी भी है, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हुआ क्योंकि इस कार्बन से दो दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से दो दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो गया, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तीनों आ रहा है हमारे पास, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, तो प्राइमरी मिल गया, सेकेंडरी मिल गया, अब हम देखते हैं टर्शियरी मिलता है कि नहीं, ठीक है, टर्शियरी मिलता है कि नहीं, टर्शियरी भी मिल जाएगा, ठीक है, टर्शियरी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आयोडीन दे देते हैं यहाँ पर, इधर भी CH3 लगा देंगे, इधर भी CH3 लगा देंगे, अब देखो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या है sp3 है, क्योंकि एक दो तीन चार सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन क्या है एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है, ये एलाइलिक भी हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है sp3 हो गया, एलाइलिक हो गया, अब इस कार्बन से एक दो तीन कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक दो तीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसी को काउंट करेंगे, उसके बाद वाला को काउंट नहीं करेंगे, है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ, ये और ये तीन कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली, इसलिए ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन, तीनों चीज़ें ये कार्बन, इसलिए इसका नाम हो गया टर्शियरी एलाइलिक, टर्शियरी एलाइलिक आयोडीन है, आयोडाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एलाइलिक हैलाइड को हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी एलाइलिक हैलाइड जो है तीन तरह का होता है, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड एंड टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर अल्काइल ग्रुप हम एलिसाइक्लिक कर दें, अगर अल्काइल ग्रुप को यहाँ भी एलिसाइक्लिक कर देंगे तो यहाँ भी प्राइमरी हैलाइड हमको नहीं मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी ही मिलेगा, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं जरा एलिसाइक्लिक, अगर अल्काइल ग्रुप एलिसाइक्लिक है, ठीक है, एलिसाइक्लिक एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलिसाइक्लिक एलाइलिक हैलाइड को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग ले लेते हैं, अब क्या बेंजीन रिंग ले लेते हैं, मतलब चलो ले लिए साइक्लोहेक्सेन वाला ले लेते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड हम यहाँ बना देते हैं और यहाँ पर हम क्लोरीन जोड़ दिए,
ठीक है। अब ये जो कार्बन है इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन तो ऐसे sp3 है, ये क्या है sp3 है, क्योंकि एक दो तीन और एक हाइड्रोजन चार, ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है ही। दूसरा ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे ये डायरेक्टली, तो ये दोनों से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ दो ही है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। उसके बाद जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन ये है, डबल बॉन्ड कार्बन ये है, और उसका नेक्स्ट कार्बन है ये, तो ये एलाइलिक भी हो गया, ठीक है। लेकिन प्राइमरी नहीं मिला हमको, तो ये लिखाएगा सेकेंडरी साइक्लो एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। टर्शियरी भी हो जाएगा इसमें, लेकिन प्राइमरी नहीं होगा। अब ये लेते हैं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, क्लोरीन हो गया एक, और या क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, कुछ भी लो, और इधर एक अल्काइल ग्रुप दे दिए। अब ये जो कार्बन है इसमें एक दो तीन चार सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 तो है ही। अब ये जो कार्बन है इससे डायरेक्टली देखो कितना कार्बन है, इससे डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ एक हो गया, इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है दो हो गया, इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3° कार्बन। और तीसरा क्या चीज़ है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है और उसका नेक्स्ट कार्बन ये है, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक कार्बन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, तो ये एलाइलिक कार्बन है, इसलिए ये एलाइलिक हैलाइड हो गया, तो टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड हो गया, ये टर्शियरी साइक्लो एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है, इसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट डे डील करेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड को। हमको लगता है कि आप लोगों को एलाइलिक हैलाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।